हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाइनियर स्टडी सेंटर में। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। इसमें हम आगे की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने लीनियरिटी और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया था। अब हम सबसे पहले आते हैं इसमें सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। स्टार्ट, ठीक है। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए, टी माइनस ए। उसमें क्या था हमारे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में? हमारा क्या था? लाप्लास ऑफ e की पावर at इनटू f t। तो उसमें हमने क्या किया था? एफ एस माइनस ए किया था, मतलब हमने s डोमेन में शिफ्टिंग की थी। अब इसमें हमें कहाँ पे शिफ्टिंग है? टाइम डोमेन में। इसमें क्या हो गया था? e की पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम देख लेंगे बाद में, जब हम प्रैक्टिस करेंगे सभी क्वेश्चन की। अब हम आते हैं आगे की प्रॉपर्टीज, ठीक है। बाकी की जो चार प्रॉपर्टी, उसके लिए मैं एक टेबल बनवा देता हूँ। उस टेबल से आपको क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। कैसे याद करेंगे उसको? हम टाइम डोमेन और एस डोमेन। टाइम डोमेन में हम सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे मल्टीप्लाई बाई टी की पावर एन, या मल्टीप्लाई बाई टी। टाइम डोमेन में अगर मल्टीप्लाई बाई टी है तो एस डोमेन में हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। सेकेंड प्रॉपर्टी, डिवाइड बाई टी। टाइम डोमेन में अगर हम डिवाइड बाई टी करेंगे तो इधर पे हम करेंगे इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है यहां पे डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में होगा? टाइम डोमेन है तो टी के रिस्पेक्ट में। अगर इधर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इधर पे क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई बाई एस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये भी विद रिस्पेक्ट टू टी होगा। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में यहां पे हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई एस, डिवाइड बाई एस करेंगे। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं मल्टीप्लाई बाई टी। एक प्रॉपर्टी हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी छूट रही थी तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है? एफ एस होता है। एफ ऑफ ए टी, स्केलिंग का मतलब क्या है? टाइम डोमेन को छोटा या बड़ा करना है। यहां पे हमने क्या किया? टाइम डोमेन में ए से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे टाइम डोमेन में ए से मल्टीप्लाई किया तो सेम वैल्यू से एस में डिवाइड कर देंगे एस बाई ए, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड भी कम हो जाता है। बिल्कुल अपने को टेंशन नहीं लेना, ये सारे प्रूफ हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का लेक्चर जैसे अपलोड करेंगे तो सारा सब कुछ सेम, केवल लिमिट का चेंजेस होता है। वहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे, तो आपको अगर प्रूफ भी करना है तो कोई इशू नहीं है। इसके लिए हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का भी लेक्चर जल्द से जल्द आपको अपलोड कर देंगे, वहाँ पे हम सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया, इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। प्रॉपर्टी के थ्रू लाप्लास ऑफ साइन टी हम जानते हैं, साइन ए टी का फॉर्मूला हमें पता है। ए यहाँ पर क्या है? वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब वो बोलेगा कि यदि लाप्लास ऑफ साइन टी ए है तो हमें बताओ लाप्लास ऑफ साइन ए टी। इसका मतलब हमसे साइन ए टी का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, वो पूछना जानना चाह रहा है प्रॉपर्टी क्या होती। तो हमें प्रॉपर्टी मालूम है, टी में हमने ए का मल्टीप्लाई किया है, टी में ए का मल्टीप्लाई तो वन अपॉन ए, तो वन बाई ए एफ एस बाई ए, मतलब साइन वाले फंक्शन में, इस फंक्शन में जहां जहां एस है वहां क्या कर देंगे? एस बाई ए। यहाँ साइन है, साइन में एस केवल ए की जगह पे है तो एस की जगह पे हम क्या रख देंगे? एस बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन ए, वन अपॉन एस स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वन। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। बस उसने हमसे क्या कर दिया, ये ऐसे कितना भी बड़ा फंक्शन दे दे, वो कुछ भी दे दे, लाप्लास ऑफ साइन कॉस कोई भी दे दे, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज। अब जो मैंने टेबल बनाई थी उस टेबल के थ्रू अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसके आगे वाली, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं मल्टीप्लाई बाई टी की पावर एन। मल्टीप्लाई बाई टी की पावर एन एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसका लाप्लास है एफ एस। इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया किसका? टी की पावर एन का, एफ ऑफ टी। टी की पावर एन का मल्टीप्लाई तो मैंने पहले बताया था, जब भी मल्टीप्लाई बाई टी होगा तो
तो क्या करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डी की पावर एन अपॉन डी एस की पावर एन, इस एप्टिकल लाप्लास क्या होता है एफ एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन की पावर एन। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले लाप्लास ऑफ टी साइन ए टी, ए टी की जगह काम करो टू टी कर लेते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, साइन टू टी को। क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी कि मल्टीप्लाई बाई साइन, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है मल्टीप्लाई बाई टी, यानी कि हमें पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, साइन को। तो लाप्लास ऑफ साइन टू टी, साइन ए टी का फॉर्मूला हमें पता है, ए मतलब टू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर मतलब फोर, इसका मल्टीप्लाई है इसमें टी साइन टू टी का, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस वन की पावर एन, इधर एन की वैल्यू क्या है वन है, डी बाई डी एस साइन टू टी, साइन टू टी का लाप्लास टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, माइनस वन डी बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेते हैं, डी बाई डी एस इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस फोर का इनवर्स, एक्स की पावर एन, फॉर्मूला में पता है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस टू डी बाई डी एस, सॉरी माइनस टू एक्स की पावर एन, क्या हो जाएगा फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करें क्योंकि अभी ये फंक्शन बचा है, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एस, इस फोर का डिफरेंशिएशन जीरो, क्या हो गया ये प्लस कर देते हैं टू एस इंटू टू एस, फोर एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक तो नहीं होगा। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इस प्रॉपर्टी पे सॉल्व कर लेते हैं, केवल इसमें डिफरेंशिएशन का चेंजेस आएगा और कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी पहचानना बहुत आसान है। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें हमें दिखे, जिसका हम लाप्लास जानते हैं, अगर उसमें टी का मल्टीप्लाई दिखेगा मतलब हमें समझ जाना है कि मल्टीप्लाई बाई टी की पावर एन प्रॉपर्टी है। अब हम डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसी में देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में वो ऐसा भी जोड़ दे टी ई की पावर माइनस थ्री टी इंटू साइन टू टी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमें ऐसे ही चलना है। सबसे पहले हमने साइन टू टी सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई बाई टी सॉल्व कर लिया, पूरा सॉल्व कर लिया। ये e की पावर किसी भी फंक्शन में मल्टीप्लाई है, हमें मालूम है कि इसका हम लाप्लास जानते हैं, अगर उसमें e की पावर at मल्टीप्लाई है तो हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसका मतलब है हमने t sin 2t का लाप्लास फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, किसी भी फंक्शन में e की पावर at का मल्टीप्लाई मतलब f s माइनस है, अभी हमें क्या करना है e की पावर माइनस 3t का मल्टीप्लाई किसमें t sin 2t में, ये क्या हो जाएगा इसके लाप्लास में जहां जहां एस है वहां एस माइनस ही रख देंगे, तो इधर एस है एस माइनस, अब समस्या आया है कि माइनस थ्री है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है कि तीन फंक्शन है, क्लियर है यहां तक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रॉपर्टी पे एक और बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, ये एक काम करेंगे, इसका इस पे जो क्वेश्चन है वो अपन आगे देखेंगे जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्योंकि मेरे को इस लेक्चर में सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट करनी है ताकि आप सारी प्रॉपर्टीज सीख सकें। मल्टीप्लाई बाई टी के बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड बाई टी है, डिवाइड बाई टी में क्या होता है कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसका लाप्लास है एफ एस, इस फंक्शन में अगर डिवीजन बाई टी, डिवीजन बाई टी इंटीग्रेशन इस एफ टी का लाप्लास एफ एस डी एस, एस से इन्फिनिटी हो जाएगा ये हमारा डिवीजन बाई टी, इसका एक न्यूमेरिकल जल्दी से कर लेते हैं, लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी, इसमें भी हम पहले किसको सॉल्व करेंगे साइन को, डिवीजन बाई टी है, लाप्लास ऑफ साइन टी का हमें फॉर्मूला मालूम है क्या होता है ए अपॉन वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, डिवीजन बाई टी है, डिवीजन बाई टी का मतलब इंटीग्रेशन करना है साइन टी बाई टी, मतलब एस से इन्फिनिटी इस साइन टी का लाप्लास, इस साइन टी का लाप्लास हमने पहले फाइंड कर रखा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इंटू टी एस, एस फॉर्मूला में मालूम होना चाहिए इसका, इसका फॉर्मूला ये टेन इनवर्स एस का, लिमिट एस से इन्फिनिटी, सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट में क्या हो जाएगा
टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट एस की जगह एस रखेंगे तो वही चीज़ रहेगी। इन्फिनिटी किस वैल्यू पे होती है, टेन की 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एस। क्लियर है यहाँ तक, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसी पे ई की पावर पी का मल्टीप्लाई कर दें आंसर में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या जाएगा एस माइनस है, उसको सबसे लास्ट में कर लेंगे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहें।